विश्व स्वास्थ्य दिवस पिछले कुछ सालों में हम सभी का झुकाव स्वस्थ जीवन की तरफ हुआ है। खास तौर पर कोरोना वायरस महामारी ने हमारा फोकस स्वास्थ्य की तरफ कर दिया है। अब हम सभी इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि क्या खा रहे हैं ताकि बीमारियों से बचे रहे। अब लोग अपनी डाइट में सेहतमंद फूड आइटम्स को जरूर शामिल करते हैं और बाहर का खाना कम से कम खाने लगे हैं। साथ ही एक्सरसाइज, हालांकि इससे काफ़ी पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी तरफ से स्वस्थ जीवन और इससे जुड़ी दिक्कतों से कैसे निपटना है इसके बारे में जागरूकता फैला रहा था। संगठन ने हर साल 7 अप्रैल के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस की संकल्पना पहली बार 1948 में पहली स्वास्थ्य सभा में की गई थी। 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य की अहमियत के प्रति जागरूकता पैदा करना और इससे काफ़ी पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी तरफ से सभी दिक्कतों को कैसे निपटना है इसके बारे में जागरूकता फैला रहा था। संगठन ने हर साल 7 अप्रैल के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। हर साल अलग अलग थीम तय की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 1950 से हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO की स्थापना को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाता है। साथ ही इसी संगठन द्वारा हर साल वैश्विक स्वास्थ्य के लिए प्रमुख महत्व के विषय पर दुनिया भर में ध्यान आकर्षित करने के अवसर के रूप में देखा जाता संघर्ष जीवन को भी विनाशकारी बनाते हैं, जिससे मृत्यु, दर्द, भूख और वैज्ञानिक संकट भी के लिए स्वास्थ्य के अर्थशास्त्र पर WHO परिषद ने पाया है कि यद्यपि कम से कम 144 देश अपने संविधान में स्वास्थ्य को मानव अधिकार रूप में मान्यता देते हैं, केवल 4 देशों ने उल्लेख किया है कि इससे कैसे वित्त पोषित किया जाए। इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिन 2024 का